Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. So we are here to discuss the strategic financial management paper of CA final, which was held yesterday on 4th of May 2017. The paper was quite easy. The entire paper was from the institute's material. So as discussed earlier in my videos, institute ka material is very important. So agar aapne institute ka material karke gaye hain, to it won't be it wouldn't have been a problem for you paper ke time pe. अगर अपन मार्क्स के एनालिसिस की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से अगेन 28% ऑफ द पेपर उसी से पूछा गया. नवंबर 2016 में और मई 2017 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को काफ़ी वेटेज दिया गया जो आज तक नहीं दिया गया था. मर्जर्स एंड एक्विजिशन अगेन द सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ अ मार्क्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मर्जर्स एंड एक्विजिशन में से टोटल मिला के 53 मार्क्स का पेपर पूछा गया. लाइक 120 मार्क्स में से 53 मार्क्स वेयर फ्रॉम दीज टू चैप्टर्स ओनली. सो अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें तो 45% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन. द सेकेंड थिंग इज द सोर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल भी अगर आप करके जाए ना, 77% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम दीज टू बुक्स, प्रैक्टिस मैनुअल एंड स्टडी मटेरियल. मतलब आधा पेपर, 53 अराउंड पेपर परसेंटेज तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल से ही है. मतलब 120 में से 60 मार्क के क्वेश्चन तो तकरीबन आपको सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल से पूछा गया. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉपी पेस्ट किया हुआ था, सिर्फ फिगर्स चेंज किए हुए थे. सो अगर आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत अच्छे से किया है तो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस एंड द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज द सजेस्टेड आंसर फॉर दिस मे 2017 SFM पेपर. यस, द सजेस्टेड आंसर आर रेडी विथ मी. What you can do is you can go to the conferencer.in website. In download section you will see the suggested answer file. Please go to that website, download from there and check your answers with that file. Agar aap registered hai us website pe to it won't be a problem, aapke paas mein login id password hoga. Agar aap registered nahi hai to it's free to sign up, go and sign up with the correct details and you will be able to download the file. So everything is discussed in that paper. हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़े आंसर वेरी करने के चांसेस हैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से जब पेपर फाइनली सजेस्टेड आंसर आएगा इंस्टीट्यूट का, बिकॉज ऑफ सर्टन अजम्पशंस. लाइक लीजिंग वाला एक क्वेश्चन था, उसमें सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई थी. अब उसमें सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई थी तो कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, जिस तरह से मेरे को रिव्यूज़ मिले हैं कल, कुछ कुछ लोगों ने ये किया है कि जो WDV थी उसी को सैल्वेज वैल्यू मान लिया, अज्यूम कर लिया एंड अकॉर्डिंगली दे सॉल्व्ड इट. इन सजेस्टेड आंसर आई हैव टेकन एज इट इज़ कि सैल्वेज वैल्यू नहीं दी है तो नहीं लिया, सिंपल सा फैक्ट है. और क्योंकि सैलवेज वैल्यू नहीं दिया तो कैपिटल गेन और लॉस भी इग्नोर किया हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज आई थिंक इन द क्वेश्चन कमर्शियल पेपर वाला क्वेश्चन था. कमर्शियल पेपर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कॉस्ट टू द फर्म निकालना था कि कमर्शियल पेपर इशू करने की कंपनी को कॉस्ट कितनी पड़ रही है. सो उस केस में मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कंसिडर किया सजेस्टेड आंसर में. बट अगर आप इंस्टीट्यूट का नया प्रैक्टिस मैनुअल देखोगे तो उसमें दोनों आंसर है जो मैंने एक बार कंसिडर किया, और ऑल्टरनेटिव आंसर में उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर की है. अब लॉजिकली अगर मेरे को पूछा जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए वहाँ पर. अगर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली है तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स करेक्ट आंसर बिकॉज प्रैक्टिस मैनुअल में वो भी दिया हुआ है. अगर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं ली तो भी वो करेक्ट आंसर है बिकॉज वो भी दिया हुआ है. हाँ, लॉजिकली जब मैं बोल रहा था आपको कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस बैलेंस अमाउंट पे लिया गया है जो बैलेंस अमाउंट हमने बैंक में रिजर्व करके रखा हुआ है. बट अब उस पर जो कॉस्ट लग रही है वो पैसा अपन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में वो पैसा वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है. सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. डिटेल में ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक इतना ही था. लेट मी लुक कि कोई और क्वेश्चन है तो मैं अकॉर्डिंगली उस पर डिस्कस कर लूँ. आपका पहला क्वेश्चन था पोर्टफोलियो बीटा का, सेम टू सेम ऐसा इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है क्वेश्चन, फिगर्स चेंज थी बस और कुछ नहीं था. सेकंड क्वेश्चन भी डिविडेंड पॉलिसी का, यस सेकंड क्वेश्चन जो था डिविडेंड पॉलिसी का, डिविडेंड पे आउट रेशियो उसमें 180% आता है. बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड कैसे ज़्यादा हो सकता है. अरे अर्निंग पर शेयर इज़ नॉट अ कैश फ्लो ना, जब डिविडेंड बांटते हो तो कैश में से जाता है, अर्निंग्स में से नहीं जाता. सो अर्निंग पर शेयर इज जस्ट एन अर्निंग, डिविडेंड पर शेयर इज 180% इन दिस क्वेश्चन. सो यस इट इज़ पॉसिबल. अगर 56 रुपीज़ प्राइस लेनी है तो 180% आपको डिविडेंड बांटना पड़ेगा, यानी 1.8 times ऑफ द अर्निंग पर शेयर. सो ये था सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1C, इट वॉज अ प्योरली बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन.
पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी थी, अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें अगर मेरे को ऑपरेट करने बिजनेस ऑपरेट करने से अगर कम पैसा आ रहा है तो मैं उसको अबेंडन करके ज़्यादा पैसा हासिल करने का ऑप्शन चूज करूँगा। सो यस, जब लोअर जा रही है प्राइस, दैट इज 150 से 90 जा रही है प्राइस, तब आप पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, अबेंडनमेंट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो आपको 100 मिलेंगे। 90 जा रही थी तो अब 100 मिलेंगे क्योंकि आपने 100 वाला ऑप्शन चूज़ किया, 90 वाला तो चूज़ नहीं करोगे। तो द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन विल बी 10, एंड 10 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और प्रेजेंट वैल्यू पे जब लेके आओगे तो यू विल बी गेट अ करेक्ट आंसर इन दैट। सो डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1D, USA वाली कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये क्वेश्चन था, सेम टू सेम प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन है, फिगर्स बस चेंज की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2A, डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आपका मई 2016 की आरटीपी से इस पेपर में तकरीबन 12 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, माने 10% क्वेश्चन पूरे मई 2016 के आरटीपी से आए। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि लास्ट की 3 आरटीपीज आपने करनी चाहिए, सो इफ़ यू हैव डन दैट इट वुड हैव बीन अ गुड डिसीजन फॉर यू। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2B, यस स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट वाज इजी क्वेश्चन, लेट्स स्किप इट। क्वेश्चन नंबर 2C, कमर्शियल पेपर, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3A है लीजिंग से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बोला सैलवेज वैल्यू मैंने इसमें कंसिडर नहीं की, अगर हाँ तो इससे क्या होता है डिसीजन बदलता है। सजेस्टेड आंसर में मैंने सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं किया हुआ है, और क्योंकि सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं किया हुआ है तो मेरा फाइनल आंसर आता है कि लीजिंग वाला फाइनेंसिंग ऑप्शन बेटर है, और अगर आप सैलवेज वैल्यू कंसिडर करते हैं तो फाइनल आंसर आपका आई थिंक बोरोविंग वाला आएगा, सो अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड विद दैट। क्वेश्चन नंबर 3B, कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर, ये भी प्रैक्टिस मैनुअल सेम टू सेम, लेट्स स्किप इट। क्वेश्चन नंबर 4A, बीटा निकालना था, बीटा मेरा 1.90 आ रहा है, कृष्णा लिमिटेड और मार्केट इंडेक्स, ये भी मई 2016 के आरटीपी में सेम टू सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4B, फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है छोड़िए। 5A, जेंसन सल्फा, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे, यस ग्रॉस NPA। क्वेश्चन नंबर 6B एक क्वेश्चन था जिसमें सेम टू सेम आपका सप्लीमेंट्री में यह क्वेश्चन कवर अप किया हुआ है, बैंक आर और बैंक पी के नाम से, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कवर किया हुआ था ZML और XML के नाम से। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने ग्रॉस NPA का जो एक्सचेंज रेशियो लेना था वो एक्वायरर बाय टारगेट लिया हो, और बाकी तीनों एक्सचेंज रेशियो आपने टारगेट बाय एक्वायरर लिया, क्योंकि ग्रॉस NPA बुरी चीज़ है, बाकी तीनों अच्छी चीज़ है, यानी NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट ज़्यादा होना बुरी बात होती है। तो और दूसरी तरफ से CAR हो, मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू हो, ये ज़्यादा होना अच्छी बात होती है, इसलिए इन दोनों के रेशियोज रिवर्स किए हुए, वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्किप इट। उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला जो प्रॉब्लम था, ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वाला, ये आपको प्रैक्टिस मैनुअल में शायद ना मिले लेकिन आपको स्टडी मटेरियल में ज़रूर मिलेगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाले चैप्टर में सेम टू सेम है, सिर्फ फिगर्स चेंज की हुई है। सो प्लीज़ डोंट से कि आपको ये क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि बाहर से आया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, 78% ऑफ द पेपर आपका सिर्फ स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल से आया, 10% में और ऐड कर लूँ तो वो RTP से आया, वो भी इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल, ऑन एंड अराउंड सारा का सारा, या फिर अगर मैं बोलूँ तो 90% ऑफ द पेपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आया, सप्लीमेंट्री, RTP, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल, भाई बस यही करने की ज़रूरत है। चलो गुड, वेल एंड गुड, अभी ज़्यादा उसके बारे में सोचना मत, अगर आपका ऑडिट और लॉ का पेपर है सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। इस क्वेश्चन को देख के आप ज़्यादा नर्वस होने मत, सॉरी इस सजेस्टेड आंसर्स को देख के अपने आंसर से मैच करके ज़्यादा नर्वस मत होना या फिर दुख मत बांटना, एग्ज़ाम के बाद मिलके रोएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सो गो हैड डाउनलोड द सजेस्टेड आंसर एंड यू कैन क्रॉस चेक ऑल द आंसर्स। बाय बाय।